नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे रविवार 19 सितंबर आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों आज आपको किन किन चीज़ों से लेकर बचना होगा, आखिर ऐसे कौन कौन से कार्य आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, साथ ही वीडियो के अंत में एक सटीक उपाय दिए गए हैं जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बना सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करती हैं। उससे पहले भगवान श्री सूर्य महाराज का सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अभी कर दें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की पंचांग, फिर बात करेंगे आज का दैनिक राशिफल। 19 सितंबर रविवार का दिन है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र रहेगा शतभिषा। योग की बात करें तो धृति नामक शुभ योग रहेगा और चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि पर संचार करेगा। आज का शुभ समय तकरीबन 11:56 पर शुरू होगा, दोपहर 12:44 पर समाप्त होगा। यह समय किसी भी प्रकार की नए और शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल कर सकती है। आज का अशुभ समय शाम 4:52 पर शुरू होगा, शाम 6:22 पर समाप्त होगा। यह समय निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातकों, किसी सामाजिक संस्थान में आपका विशेष योगदान आपको समाज में मान सम्मान में यश की प्राप्ति करवाएगा। आपके अपने व्यक्तिगत काम भी आज काफ़ी हद तक सुचारू रूप से पूर्ण हो जाएंगे। जो आपका काम पेंडिंग पड़ा था वह आज आपका काम पूरा हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण यात्रा संबंधित योजनाएँ भी बन सकती है, अगर जाना जरूरी हो तो उस योजनाओं पर जाएँ, अन्यथा आज योजनाओं को अस्थगित ही रखें तो आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए पड़ोसियों के साथ किसी भी बात विवाद में ना पड़ें, उनसे दूरी बना के रखें। अगर हो सके तो अपने घर के बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि इसकी वजह से थाने आदि के चक्कर लगाने की स्थिति तक बन रही है, इसलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। वृषभ राशि वाले जातकों, घर के किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य को लेकर आज आपकी चिंता बनी रहेगी और आज आप उसी में परेशान रहेंगे। बच्चों के व्यर्थ कार्यों में अपना समय नष्ट ना करें, पढ़ाई पर अपना ध्यान अधिक से अधिक फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होंगे और आने वाले दिनों में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। वृषभ राशि जातकों, व्यवसाय की बात करें तो आज व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता की वजह से कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों के सहयोग से व्यस्तता उचित बनी रहेगी। आज किसी भी प्रकार के रिस्क प्रवृत्ति के काम से दूरी बना के रखें। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में ना पड़े, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। वृषभ राशि जातकों, लव लाइफ की बात करें तो आज पति पत्नी के बीच किसी भी पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की बजाय स्वयं ही समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अंदर आने ना दें, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जो भी समस्या हो वह समस्या अपने आप ही सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ राशि जातकों, सेहत की बात करें तो कुछ थकान और कमजोरी जैसी स्थिति रह सकती है, लापरवाही ना बरतें, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें और खान पान को जितना हो सके आप नियमित रखें। गाड़ी वाहन का प्रयोग आज आप थोड़ा सोच समझ कर करें, चोट चपेट भी लग सकती है। वृषभ राशि जातकों, बात करें फायदे और नुकसान की। देखिए फायदा क्या है, मकान भूमि प्लॉट आदि से आज आपको फायदा होने के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात आज आपकी सफल हो सकती है, करियर में आगे बढ़ने के आज आपको मौके मिल सकती है। नुकसान क्या है, देखिए ज़्यादा मेहनत से आज आप थकान का अनुभव होगा,
इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। बात करें शुभ रंग की, तो आज आपका शुभ रंग नीला कलर है और भाग्य अंक आज आपका 8 है। उपाय की बात करें तो भगवान श्री गणेश को 7 हल्दी की गांठ अर्पित करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा।